तू जरूरत है, तू हकीकत आज है। का दिन बहुत ही खूबसूरती से बीता। ये बात बिल्कुल सच है कि दोस्तों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। हेलो एवरीवन, सो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ फाइनली। ये हमारा मीटिंग पॉइंट है। एज यूजुअल पता है ना, ये फ्रेंड्स तो कभी टाइम पे आते नहीं है। 6:30 का बोला था और अभी ये आया है। कितने 7:05 हो गए हैं। तो चलिए बकबक करती हूँ बंद, मैं दूसरी बकबक शुरू करती हूँ। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड नीशा। बेस्ट फ्रेंड क्यों इतने सारे फ्रेंड्स में, क्योंकि इसकी कार में हम जा रहे हैं। सो प्लीज़ आप कार की तरफ आइए। मैं फ्रेंड का इंट्रोडक्शन बाद में आगे करूँगी। महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य, इधर दिखाना। सो महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य आमदार तो इस गाड़ी में जा रहे हैं। सो कोई टेंशन नहीं है। और फिर यहाँ पर आते हैं बाकी के मेरे फ्रेंड्स हैं, इनसे मैं पहली बार मिल रही हूँ आफ्टर 32 ईयर्स। आपका नाम बताया था, सॉरी। हाँ, गुड्डू। गुड्डू गुड्डू नाम से वैसे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पेट नेम गुड्डू है। सो आपका रियल नेम क्या है? मंजूर खान। सलाम वालेकुम। और ये देखिए, ये दिनेश है। ये इसने ये खुद को ही कॉल करके खुद ही बात कर रहा है। हाँ दिनेश। और ये है दया, बहुत अच्छे हैं। दया निशा के बाद अगर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो दया, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, ये दया की है। और ये जो है यहाँ पर वो मनीष है, ये मनीष है। मनीष के बारे में मैं फिर बाद में बता रही हूँ, क्योंकि वो इस वीडियो में अभी नहीं आ रहा है। और जो सबसे पहली गाड़ी आई उसमें हम लोग थे, निशा की गाड़ी में। और हमारे साथ के भी जो दो लोग हैं, दो ग्रुप हैं, वो अब तक नहीं आए हैं। मैं आपको किस एक जन से और मिलाती हूँ मेरे फ्रेंड से। ये हैं मिस्टर शेखर। हाय। और शेखर जी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है कि मैं आप मेरे दोस्त हैं, तो आपको कितना ग्रेट फील हो रहा है? बहुत ग्रेट फील हो रहा है कि मैं आपका मित्र हूँ। अच्छा। और मैं आज टोटली ऑफ हूँ। इनकी बातों पे मत जाइए, पुलिस वाले हैं तो ये कब किससे क्या उगलवाने के लिए क्या बोलें पता नहीं है। और संजीव से तो मैं आप लोगों को मिला चुकी। अच्छा, तभी आप नहीं थे, ये पहली बार। और मैं भी इनको पहली बार मिल रही हूँ 25 साल के बाद। तो हमारे सारे फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आ चुके हैं, जो टिटवाड़ा कल्याण रूट से आ रहे थे वो भी आ चुके हैं यहाँ पर। और अभी ये दीपक है, और ये रामकृष्ण है, मिथिलेश है, और ये आशीष है, और ये स्नेहा है। और हम सभी से तो आप मिल चुके हैं। तो मैं, स्नेहा और निशा यहाँ पर बैठे हैं। ये जो भी हमारे ग्रुप के जो हमारे मेल फ्रेंड्स हैं, वो अंदर पिछले आधे घंटे से कपड़े चेंज करने गए हैं। आज तक औरतें ही बदनाम है कि उन्हें बहुत समय लगता है तैयार होने में, बट देखिए हम तीनों मिसाल हैं कि कैसे हम समय बचाते हैं। तो उतना ही समय हम चुगली कर सकते हैं आराम से इन लड़कों की। तो हमें चुगली करते हुए 35 मिनट हो गए, जबकि वो लोग 30 मिनट से कपड़े बदल रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, थैंक यू। क्योंकि ये नहीं चाहती कि वीडियो जब लड़के देखें तो इनकी इनसे दुश्मनी हो जाए, बहुत चलाक नहीं। बात बिल्कुल सच है कि दोस्तों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर हमारे दो बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की हमने तैयारी कर रखी है। निशा और शेखर का बर्थडे, निशा का बर्थडे 21 तारीख को हो चुका है और शेखर का 29 तारीख को बर्थडे है। तो हम यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। हमारे 96 के बैच के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। तो हमको ये सिल्वर जुबली ईयर का सेलिब्रेशन का ये गिफ्ट बॉक्स भी मिला है। और चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया है इन सब के पीछे। और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन, मैं चाहती हूँ यहाँ पर दिखाएं
लापुर में ये जो फॉर्म क्या नाम है बीएन फॉर्म, वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया, बहुत अच्छा टाइम बिताया। हालांकि काफी लोग, लेकिन मैं चाहूंगी शेखर मुझे बताइए आज के सेलिब्रेशन के बारे में आपका क्या कहना है शॉर्ट में। एक मिनट, वंडरफुल सेलिब्रेशन, वंडरफुल सेलिब्रेशन। चलिए बहुत अच्छा। निशा आपको कैसा लगा प्लीज बताइए? बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। और आप लोग जो हैं आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैंने इतना एंजॉय किया, मैंने मेरी स्कूल लाइफ में इतनी पिकनिक मैंने की, बट ये एंजॉय आज यहाँ पे मैंने मेरे स्कूल डेज पूरे मेरे याद आ गए। हमने एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें शेयर की, हमने बहुत अच्छा लगा। यस, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कही, आप बहुत देर से मुंह खोले खड़े हैं, चश्मा पहुँचने की एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, पूरा बचपन एंजॉय किया मैंने। अच्छा, घर जाइए बड़े होके काम कीजिए। यस, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, आज इन्होंने इंग्लिश में कह के अपने इंग्लिश टीचर का भी मान बढ़ाया। आप वहाँ पे जो केक खा रहे हैं एक्स्ट्रा जम्मू पहुँच रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो नीलम पैसे मांगेंगे। और यस हरिकृष्ण जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, एंड इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और इंडियन क्रिकेट टीम में हिंदी नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं जी, कहिए कहिए। बहुत अच्छा लगा ये सब सेलिब्रेशन, एंड इट्स रियली ऑलवेज मेमोरेबल। और हम ये चाहेंगे कि फिर कभी फिर वापस हमें मौका मिले, वापस हम ऐसे सबके साथ मिले, एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ अपनी सारी चीजें शेयर करें। जो बड़ी मुश्किल से मिलता है टाइम निकालते हैं, बट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। सो इस तरह से मैं भी चाहती हूँ, यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भले ही अपने काम में, अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में, अपनी जिम्मेदारियों में कितना भी व्यस्त रहें, लेकिन हंसने मुस्कुराने के लिए जरूर वक्त निकालिए। आज जैसे हमने हमारी जिंदगी जी ली। यस, तो जल्द मिलेंगे मेरे नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।